वेलकम बैक टू माय चैनल सुपर ब्यूटी डिजायर्स और मैं हूं आपकी फ्रेंड प्रेरणा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूं एक बहुत ही ज्यादा ऑसम सा वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप सोच रहे हैं कि इतना ज्यादा ठंडी है, इतना विंटर का सीजन चल रहा है और मैं इस तरीके से बैठी हुई हूँ विदाउट स्लीव पहने हुए, तो आई मस्ट टेल यू गाइज कि मैं रहती हूँ मुंबई में, जहाँ पे ज्यादा ठंड नहीं पड़ती है। यस, बहुत नॉर्मल सी ठंड है, सो दैट्स व्हाई आई एम लाइक दिस ओनली। तो चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक फाउंडेशन ट्रिक। यस फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपने फिंगर्स से फाउंडेशन किस तरीके से लगाना चाहिए। यस, आज हम यूज करेंगे अपने फिंगर्स को, काम पे लगाएंगे अपने फेस को फाउंडेशन लगाने के लिए। यस गाइज, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जिनके पास मतलब ब्रश नहीं होता है, ब्यूटी ब्लेंडर नहीं होता है या फिर स्पॉन्ज नहीं होता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलिए आप गर्ल्स की ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाए। आप, मुझे मालूम है कॉलेज गोइंग गर्ल होते हैं तो इतना ज़्यादा हम इन्वेस्ट नहीं करते हैं स्टार्टिंग में, जब हम एक मेकअप बिगनर होते हैं तो इसलिए हमारे पास ज़्यादा जो है इक्विपमेंट्स नहीं होते हैं मेकअप के। तो हम क्या करते हैं कि हम ये सोचते हैं कि अगर ब्रश नहीं है तो हमारा फाउंडेशन अच्छा नहीं दिखेगा या केक ही हो जाएगा या फिर हम कैसे ब्लेंड करेंगे। तो आज इस वीडियो में मैं वही आपके साथ में शेयर करूंगी और यकीन मानिए फ्रेंड्स, अगर आप इस ट्रिक को यूज करेंगे तो आपका फाउंडेशन इतना ज्यादा, मैं नहीं बोलूंगी कि हाँ वैसी वाली कवरेज देगा जैसा ब्रश या फिर ब्यूटी ब्लेंडर देता है, लेकिन यस, बहुत अच्छी कवरेज आपको मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ में। लेकिन अगर न्यू हो मेरे चैनल के लिए तो पता है ना क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छा लग जाए तो हिट लाइक करना है और फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना है जिससे कि वो भी आपको थैंक यू बोले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ में, लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि आपको अपना फाउंडेशन जो है वो फिंगर से किस तरीके से लगाना है, वो भी इफेक्टिवली। ऐसा एक ग्लो आएगा आपके फेस पे जैसे कि लगेगा कि आपने किसी ब्रश से या फिर स्पॉन्ज से फाउंडेशन लगाया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको सबसे पहले प्राइम अप करना है अपने फेस को। तो उसके लिए मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ एलोवेरा जेल। तो ये भी एक तरीके का एक प्राइमर है, तो मैं ये आज लेके अपने फेस पे लगाने वाली हूँ। तो मैं इसको ले रही हूँ और बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी वहां पर लगाऊंगी जहां पर ओपन पोर्स होते हैं हमें। तो इस जगह पर मैं अपना ये जो एलोवेरा जेल है उसको लगा रही हूँ। जरूरी नहीं है आप सौंदर्य वाला लें, आप कोई सा भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से पैट पैट डैप डैप करके मैं फेस पे लगा रही हूँ जिससे कि मेरी स्किन जो है वो प्रैप अप हो जाएगी। तो ये स्टेप हमारा हो चुका है, अब नेक्स्ट हमें चाहिए अपना फाउंडेशन। तो चलिए अपना फाउंडेशन ले लेते हैं। तो यहाँ पर है मेरे पास मेरा लैक्मे का फाउंडेशन, और लैक्मे का फाउंडेशन मैंने इसलिए लिया है फ्रेंड्स बिकॉज सभी के पास में लैक्मे का फाउंडेशन मिल जाता है, हर एक घर में होता है लैक्मे का फाउंडेशन, तो इसलिए मैंने ये वाला लिया है। तो अब नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, जस्ट अपना फाउंडेशन ले लीजिए अपने हैंड्स पे। तो इस तरीके से मैं भी अपना फाउंडेशन ले रही हूँ। तो ये देख लीजिए आप, इतना फाउंडेशन मैंने ले लिया है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि जब मेरे पास पहले ब्रशेस वगैरह नहीं होते थे तब मैं ये वाली जो ट्रिक है उसको यूज करती थी। मैंने अभी ले लिया है यहाँ पर फाउंडेशन। नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, आपको लेना है वॉटर। यस फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ, मैंने एक बाउल में ले लिया है वॉटर। तो डरिए मत, आपको इतना सारा वाटर नहीं लेना है, इतने सारे वाटर की यूज नहीं पड़ेगी। जस्ट आपको लेनी है इसकी थोड़ी सी ड्रॉप्स अपने हैंड्स पे, ड्रॉप्स थोड़ी सी ले लीजिए एंड अपने फाउंडेशन में मिक्स कर लीजिए इस तरीके से। देन हम जब वॉटर को मिक्स कर लेंगे तो अच्छे से आपको इस तरीके से अपना जो फाउंडेशन है उसमें वॉटर में मिक्स करना है, आप देख सकते हैं। अभी आपको क्या करना है, अपने फेस पे जहां आपको लगाना है वहां पे अच्छे से आप इस तरीके से लगाइए। तो ये पूरी फिंगर से आपको लगाना है, डॉट डॉट्स करके मत लगाइए, फिंगर्स से इस तरीके से लगाइए। तो ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से मैंने लगा लिया है। देन मैंने अपने पूरे हैंड्स को इस तरीके से वार्म अप कर लिया है। देन मैं क्या करूंगी फ्रेंड्स, अभी मैं इस तरीके से डैप डैप करके जो है अपने फाउंडेशन को ब्लेंड करूंगी। वन बाय वन कर लेते हैं, पहले इस साइड का कर लेते हैं। देन अब हम इस साइड का कर लेते हैं,
बिल्कुल भी ड्रैग मत करिए, जस्ट डैप डैप करके और लगाते डैप करते जाइए और फाउंडेशन को जो है ब्लेंड करते जाइए। अगर आपको लग रहा है ड्राई स्किन हो रही है तो थोड़ा सा आप वाटर और ले सकते हैं। और नेक पे आप इस तरीके से लगा सकते हैं। अब आप पूरे फेस को इवनली अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए, जहां जहां पे भी आपको फाउंडेशन दिख रहा है कि एक्स्ट्रा है वहां वहां अच्छे से आप डैप कर लीजिए। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए, आपको इस तरीके से पैक करनी है अपनी स्किन। तो ये करने के बाद में जो है फ्रेंड्स आपका फाउंडेशन लग चुका है। अभी आप देख सकते हैं एकदम फ्लॉलेस मेरी स्किन हो गई है और फाउंडेशन काफी अच्छे से ब्लेंड हो गया है। मतलब अगर आप स्पॉन्ज नहीं है तो आप इसकी हेल्प से भी इस तरीके से फाउंडेशन लगा सकते हैं। तो यस फ्रेंड्स, यही थी मेरी आज की ट्रिक। मैंने आपके साथ भी शेयर करा कि आपको जो फाउंडेशन है वो अपने फिंगर से किस तरीके से लगाना चाहिए अपने फेस पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हिट लाइक और शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ में। मिलूंगी किसी और वीडियो में। कोई अच्छी सी रिक्वेस्ट हो, आपकी प्यारी सी रिक्वेस्ट हो तो कमेंट बिलो इन द कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ब्यूटीफुल, स्टे स्टाइलिश, बाय बाय। टेक केयर गाइस, बाय, लव यू ऑल।